कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, जगकर देखिए संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे? हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना खाएं, दृढ़ रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूट कर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या शीत सदा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल धारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कारण है जड़े। जिसकी जड़े दृढ़ भूमि में है, वो हर चक्रवात हर ऋतुओं को सह लेता है, और जिसकी जड़े दलदल में है, वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है, जो अधर कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य धर्म की धरा पर उपजा है, वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों, या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है, या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं, या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे, तो? और वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए, और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं दिए प्रज्वलित कर रहा हूं ताकि अंधकार को मिटा सकूं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, है ना? परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, और मैं अंधकार नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है, तो अपने शत्रुओं को, अपने अस्त्रों को सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित सोच
परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं करने लगा, मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूं। आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना ना केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है, व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही श्रेयस्कर होता है, ताकि उस स्थल पर नए पौधे उपज सके। युद्ध करना पर्याय नहीं, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। सार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु, बताइए। अब आप भी कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात हुई? अवश्य, फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ है। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है? त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाड़ बनाते हैं ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना आ सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बनाता? वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखाता? वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बनाता, मतदान्ध बनाता? वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा दे? कुविचार देने वाले, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य दे दे। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। स्वर्ण, हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा या अधिक मोह होता ही है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है तब वो एक पाषाण की भांति होता है, ऐसा पाषाण जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती है, उस पाषाण को पिघलना होता है, सुनार के हथौड़ी की अनेकों चोटें खानी पड़ती है, फिर काट छाट और उसके पश्चात जाकर वो ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्षों तक, सदियों तक लुभाता रहता है। इसलिए यदि आपको समय पर विजय पानी है तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी सुनते आए हैं कि जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है, वीर भोग्य वसुंधर। परंतु वीरता है क्या? शौर्य क्या है? साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, शौर्य कभी ना गिरना नहीं। साहस किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव है, तो वीरता उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देना है। और शौर्य, शौर्य का अर्थ है गिरकर फिर से उठने का साहस रखना, बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना।
इसलिए विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान होना, क्योंकि जो शौर्यवान है उसे विजय मिलना निश्चित है। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं जिनकी परछाई उनसे दूर रहती, हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है, वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दी। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी।
स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। आप इन दो पात्रों को देख रहे हैं। मेरे इस पात्र में जल है और ये पात्र मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हैं, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दिया। जल ने मिश्री को अपना लिया, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, ये अब शरबत बन गया। हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, अपितु उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। हम सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है, और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए, और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, है ना? उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आप सबने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित है तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार एक लौहकार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की प्रतीक्षा करता है, और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा मिलती है, असफलता मिलती है, और अधिकतर लोग इसके पश्चात भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूं उससे कई ऊंचे स्थान पर होने के योग्य था, परंतु नहीं जा पाया। किसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला, भाग्य ही बुरा था। भाग्य क्या होता है? भाग्य वन में खिला पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाएगा, या किसी सुंदरी के वेणी में वो सजेगा, या फिर उसे कुचलकर उत्पाद बना दिया जाएगा,
ये सब एक पुष्प के नियंत्रण में नहीं होता, परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है, सुगंध बिखेरना उसके वश में अवश्य है। परंतु भाग्य हमारे वश में नहीं, और जो हमारे वश में नहीं उसके लिए दुखी होने से क्या होगा? कर्म पर वश है, वो कीजिए और धीरे धीरे भाग्य आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है, कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भय खाता है, और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग में, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका तोड़ क्या है, भय से मुक्ति कैसे पाई जाए? तो ये प्रश्न आप स्वयं से पूछिए। तनिक सोचिए, जब आप एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ जाएं और उसका निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी भय आपको सताए तो उससे भागे नहीं, उससे घबराए नहीं, क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना। इसलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करे तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमण कर दें। हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना। और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है, परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है तो आपको केवल मित्रों की नहीं शत्रु की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे ये मैंने कैसी बात कर दी? तनिक स्वयं सोचिए, जब भी संकट आता है तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और संकट के समय में शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, परंतु शत्रु आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है, आपको और अधिक बलवान बनाता है। संगति या साथ, मित्र और साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? मनुष्य अवश्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है।
इन पात्रों को देख रहे हैं, मध्य में जल रखा है, इसमें दूध है और इसमें मलिन कीचड़ रखा है। यदि मैं इस जल को इस दूध में मिलाता हूं तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को इस मलिन कीचड़ में मिलाता हूं तो क्या हुआ, ये जल कीचड़ बन गया। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझ कर सावधानी से चुनिएगा। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। बड़ी विकट समस्या है, मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोलेगी। बड़ी देर से प्रयास कर रहा परंतु ये ताला खुल ही नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई, वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश तो अपने कार्य में दुगनी उत्साह से जुट जाए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है, आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत
तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदली तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश में, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध भी दूध की भांति होते हैं, दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वो फट भी जाते हैं। और फटे दूध को चाहे जितना मत लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभल कर निभाना चाहिए। कभी चुंबक को देखा है कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखिए, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है क्यों? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक है, और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काट कर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। इस फल को देख रहे हैं आप? अभी अभी अपनी डाल से अलग हुआ है। बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही ले लीजिए, अपने जीवन दाता वृक्ष से अलग होकर ये ना केवल किसी की भूख शांत करेगा, अभी तो इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई फल जन्मेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है, यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्गम से दूर होने, पीड़ा अपनों से दूर होने। इस फल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से
अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग बढ़ा देता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना? कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। इतनी मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए, मैं बताता हूं। क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, जीवन या जो जीवन में पाया, यात्रा या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल? बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना। परंतु तनिक धीरज से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं सोचिए, मान, संतान, धन? नहीं ना। अंतिम लक्ष्य है परम आनंद, और ये अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का केवल एक ही उपाय, और वही आपका कर्म, वही आपकी यात्रा भी, और वही आपका प्रारब्ध भी है। और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है? वो है आपका मन, जो मस्तिष्क की भांति हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको ये बताता है कि शुभ किसमें, संसार का कल्याण किसमें, आनंद किसमें। यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है।
जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके फलों को सब को शुभ बना सकता है। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप, इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना। इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है ना जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने? इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे? पहली बार वायु में उठते समय कितना भय लगा होगा इन्हें? अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी? इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें, उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं।